तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 हल करेंगे। इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है, वो है 9.1। इसका पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखो ये 20 मीटर लंबी डोरी AC है जिस पर वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो ये खंभे का शिखर है, ए जो बिंदु है, ए भी खंभा है और ए शिखर है इसका। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें यहाँ एक कोण भी दिया हुआ है और हमें बताना है खंभे की ऊंचाई AB कितनी है। तो देखो इन सभी प्रश्नों में जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ऊंचाई और दूरी वाले, उसमें हम देखते हैं कि कोण जो दिया गया है उसके सापेक्ष में कौन कौन सी दो भुजाएँ हमें आपस में संबंधित करनी है, इनको रिलेट करना है। तो देखो एक तो ये कर्ण है जो दिया है और एक जो लंब हमें निकालना है। तो कर्ण और लंब का जो आपस में संबंध होता है वो होता है साइन का या कॉसेक का। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम पहले यहाँ लिख देंगे कि माना, ये लिखना जरूरी है, माना AB खंभा है, AB खंभा है और AC वो डोर है जिस पे वो चढ़ रहा है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको हम कि त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे में AC। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, AB हमें निकालना है और AC हमें 20 दिया हुआ है। इसको अगर हम हल करेंगे तो इस 20 को यहाँ ले जाओ तो हमारे पास आएगा AB बराबर 20/2, 2 से ये कट जाएगा 20 और उत्तर आ गया 10, यानी कि उसकी खंभे की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। प्रश्न 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो ये AB जो भाग था ये टूटकर ये A वाला भाग है वो यहाँ आके टच हो गया A' पे। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, भूमि के साथ वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब जो भुजा AB है वही भुजा A'B भी है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, C, वहाँ से A तक की दूरी जो है 8 मीटर दी हुई है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो पेड़ वास्तव में क्या है, A से लेके C तक ये पूरा पेड़ है, तो हमें इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि AB और BC को जोड़ के जो आएगा, और AB की जगह हम यही बोल सकते हैं ना A'B और BC को जोड़ के जो आएगा। तो हमें BC भी निकालना है और A'B भी निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी, कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमें एक आधार दिया हुआ है क्योंकि ये कोण है और कोण के सामने BC है, तो BC हमारा लंब होगा, आधार हमारा AC है। आधार और लंब में टैन का संबंध होता है, तो यहाँ लेंगे हम टैन 30 डिग्री। त्रिभुज कौन सा लिया हमने, A', त्रिभुज A'BC में टैन 30 बराबर लंब बटे आधार, मतलब BC बटे में CA। टैन 30 का मान होता है 1/√3 और BC हमें निकालना है और CA' 8 दिया हुआ है। तो देखो इस 8 को अगर यहाँ ले जाएं तो आंसर आ जाएगा इसका, तो BC बराबर आ गया हमारा 8/√3। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम बाद में इसे सरल करेंगे। इस समीकरण नंबर 1 आ गई 8/√3। अब हमें निकालना है A'B। तो देखो A'B हमारा कर्ण है और यहाँ पे आधार और कर्ण का संबंध होता है कॉस से, तो यहाँ देखो कॉस 30 डिग्री बराबर CA'A'B, आधार बटे में कर्ण। तो कॉस 30 का मान होता है 3/2, 3/2 रख दिया यहाँ पे हमने। CA हमारे पास 8 है और कर्ण हमें निकालना है, A'B निकालना है। तो देखो A'B को ऊपर ले गए हम, क्रॉस गुणा किया यहाँ पे, तो ये आएगा 3A'B बराबर 8×2, ये 16 ही लिख देते हैं हम, 8×2 ये 16 हो गया। तो देखो A'B कितना आ गया, 16/√3। अब देखो ये हमारे पास 2 आ गया, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। 1 में BC निकाला था हमने, ये वाला हिस्सा, और ये A'B आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़
की कुल ऊंचाई। ये आ गई हमारे पास BC प्लस ए डैश बी। BC कितना आया था हमारा 8/√3, तो 8/√3 प्लस 16/√3, 16 और 8 24/√3। अब इसको सरल करने का टाइम आ गया है क्योंकि अब उत्तर आएगा इसमें, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम। ऊपर आ गया 24 × √3 और नीचे आ गया 3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करो क्या आएगा 3, क्योंकि √3 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। 3 से काटा इसको तो 8 आ गया, मतलब 8√3 मीटर। देखो यहाँ मीटर में दिया हुआ है ना, तो 8√3 मीटर इसका उत्तर आ गया। ये क्या है हमारे पास, कुल पेड़ की लंबाई। प्रश्न 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। मतलब एक तरह से देखो ऐसे है, यह ऊंचाई दी हुई है हमें 1.5 और भूमि के साथ इस फिसलन पट्टी का कोण 30 डिग्री है। कभी हम पार्क में जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, ऐसे हम सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाके यहाँ बैठते हैं और यहाँ से फिसलते हुए नीचे आते हैं, यह है हमारी फिसलन पट्टी। तो यहाँ पे देखो पहला वाला केस हो गया कि 1.5 मीटर ऊंचाई है इसकी और इसके कोण जो झुकाव जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर, मतलब दूसरी जो फिसलन पट्टी है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है, एक अधिक ढलान वाली लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। यहाँ पे जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण है, मतलब ये कोण 60 डिग्री का है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो कभी भी हम जाते हैं पार्क में ना, देखो यहाँ से बैठ के यहाँ चलते हैं, फिसलन पट्टी कौन सी, ये वाली हुई, ये तो सीढ़ियाँ होती हैं यहाँ पे ना, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं हम और फिर यहाँ फिसलते आते हैं। तो यहाँ मान लेंगे A B C, माना AC छोटी फिसलन पट्टी है और PQR में PR बड़ी फिसलन पट्टी है। अब दोनों में देखो हमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है हरदम, लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। देखो यहाँ भी लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। त्रिभुज ABC में, ये बार बार बोल रहा हूँ कि हमें एक लाइन लिखना जरूरी होता है, यहाँ पे एक लाइन हरदम लिखेंगे कि माना BC फिसलन पट्टी की ऊंचाई है या माना AC छोटी फिसलन पट्टी है और PR बड़ी फिसलन पट्टी है, क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR हमने बनाया है, इस प्रश्न में तो दिया नहीं गया है, तो ये प्रश्न में ABBC हैं क्या ये लिखना जरूरी है, एक लाइन में शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे हम त्रिभुज ABC में। देखो ABC में क्या निकालेंगे हम, क्योंकि देखो यहाँ कर्ण है और ये लंब, कर्ण और लंब का संबंध होता है साइन थीटा से, तो यहाँ निकालेंगे हम साइन 30 डिग्री बराबर 1.5, या पहले पूरा लिख लेता हूँ इसको मैं, BC/AC मतलब लंब बटे में कर्ण। साइन 30 होता है 1/2, अब BC हमारा 1.5 है और AC हमें निकालना है। AC को गुणा किया यहाँ पे और 2 को गुणा किया यहाँ पे, तो AC बराबर 2 × 1.5 और 15 × 30 होता है तो 3.0, तो AC आ गया 3 मीटर, मतलब छोटी वाली पट्टी हमारी 3 मीटर की होगी। अब आते हैं इसमें त्रिभुज PQR में, PQR में साइन 60, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री कोण है, बराबर RQ/PR। साइन 60 बराबर होता है √3/2, अब PR हमारा 3/PR आ गया, ये क्रॉस गुणा करते हैं यहाँ भी, तो √3 PR बराबर 6, तो PR निकाल सकते हैं यहाँ से हम, PR बराबर 6/√3। अब इसका परिमेयकरण करते हैं √3 से ऊपर नीचे गुणा करके, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को नीचे नहीं रखते हम हर में। ऊपर आ गया 6√3 और नीचे आ गया सिर्फ 3, क्योंकि √3 हो गया, ये काट दो इसको, तो ये आ गया 2√3 मीटर। अगर √3 का मान दिया हो तो वो रख दो, 1.732 रख सकते हो, ये स्टैंडर्ड है मान, रख सकते हो इसको, क्योंकि ये परिभाषित तो है ना, इसके बाद ही बहुत सारा नंबर है, या 1.73 भी रख के इसे हल कर सकते हो। अगर मान नहीं दिया हुआ है तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं। प्रश्न 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है।
देखो, कोई एक मीनार दी हुई है, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, ये 30 मीटर दिया हुआ है, यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखो मीनार का शिखर ये है ना, इसका उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ए बी हमारा मीनार है और सी भूमि पर दिया गया बिंदु है। तो यहाँ फिर से वही लिखेंगे हम, माना ए बी मीनार है और सी भूमि पर दिया गया बिंदु है। उसके बाद देखो, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हमें दिया क्या है, आधार, और निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई मतलब शीर्षलंब, ये वाला भाग निकालना है। शीर्षलंब और आधार में टैन का संबंध होता है, तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे में बी सी। टैन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी हमें निकालना है और बी सी हमारे पास 30 है, सिर्फ इस 30 को अगर यहाँ ले जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा, तो ए बी बराबर 30/√3। अब इसका परिमेयकरण करते हैं हम, √3 × √3 से, तो देखो ऊपर आ गया 30√3 और नीचे आ गया 3 √3 × √3, 3 हो जाएगा, 3 से काटा इसको 10 आ गया। इस तरह ए बी का जो मान आया वो आ गया 10√3 मीटर। और हमें निकालना क्या था, यही निकालना था ना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 10√, ये आ गया 10√3 मीटर। प्रश्न 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब मान लो ये कोई पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 60 मीटर ये दिया हुआ है, इतनी ऊंचाई पर ये हमारी पतंग मान लो पी है जो उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी इस पतंग को भूमि पे किसी बिंदु से बांध दिया, मान लो ये बिंदु हमारा क्यू है जहाँ बांधा हुआ है इसको। अब आगे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, ये भूमि हमारी ये है समतल भूमि, इसके साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, ये पी क्यू ज्ञात करना है हमें। मान लो यहाँ पर आर है, अब यहाँ भी हम लिख देंगे कि माना पी पतंग है और क्यू भूमि पर दिया गया बिंदु है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कोण दिया है, कोण के सामने ये शीर्षलंब दिया है, हमें निकालना क्या है, कर्ण, क्योंकि डोरी तो यही होगी, पतंग अगर उड़ा रहे हैं हम तो ये डोरी है, तो हमें यहाँ निकालेंगे शीर्षलंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है, तो साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री बराबर पी आर बटे में पी क्यू। साइन 60 का मान होता है √3/2, पी आर 60 दिया हुआ है और पी क्यू हमें ज्ञात करना है, क्रॉस गुणा किया इसको हमने तो √3 PQ = 60 × 120 हो गया, मतलब पी क्यू बराबर आ गया हमारा 120/√3। इसका परिमेयकरण किया इस तरह से, तो 120√3/3, 3 से काटे हैं कट जाएगा, 3 × 12 और 0, तो इस तरह पी क्यू की लंबाई आ गई 40√3 मीटर। मान रखना है तो मान रख सकते हैं हम 40 × 1.73 मीटर, इसे गुणा कर देंगे उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 6, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो ये रहा एक सुंदर सा लड़का जो 30 मीटर ऊंचे, देखो ये वाला भवन हमारा, ये पी क्यू हमारा भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखो ये भवन की ओर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ये जाता है, तो उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया है। देखो यहाँ पे जो शिखर का उन्नयन कोण था वो 30 था, और बाद में जब यहाँ पहुँचता है तो उसके उन्नयन कोण 60 हो जाता है, उसकी आँख पे बना उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, तो यानी कि हमें वास्तव में ये निकालना है, ये दूरी जो चल के यहाँ से यहाँ तक गया है वो, इसे हम कैसे निकालेंगे। देखो इस त्रिभुज में हम पहले निकालेंगे पी आर कितना है, जब पी आर मिल जाएगा हमें तो पी आर की मदद से हम बी आर निकाल लेंगे, ये आ गया बी से आर तक की दूरी, और फिर हम बड़े वाले त्रिभुज में यानी कि पी ए आर में से हम ये पूरी दूरी निकाल लेंगे। इस पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा देंगे तो ये पता लग जाएगा ना कितनी दूर चल के गया ये। तो अब हम यहाँ निकालना स्टार्ट करते हैं, पहले हम निकालते हैं कि पी आर कितना है। देखो पी आर बराबर पी क्यू माइनस आर क्यू होगा,
पी क्यू में दिया है 30, 30 माइनस आर क्यू कितना है, इस लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई 1.5 है, तो ये आ गया 28.5 मीटर। अब हमें ये पता लग गया ना, इसकी मदद से हम पहले इस त्रिभुज में 60 डिग्री वाले त्रिभुज में करेंगे, हम इसको निकालेंगे बी आर को। तो देखो त्रिभुज पी बी आर में 10 60 डिग्री, क्योंकि लंब और आधार का संबंध किस में होता है, टेन में होता है। 10 60 डिग्री बराबर पी आर, पी आर बटे में बी आर, ये आ गया। 10 60 होता है अंडर रूट 3, पी आर हम निकाल चुके हैं 28.5 बटे में बी आर। तो यहाँ से हमें मिल गया बी आर का मान, बी आर बराबर वर्गमूल 3 बटे में 28, नहीं इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया ये, इसको हम थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 बी आर बराबर 28.5। तो बी आर का मान जो आएगा, बी आर बराबर 28.5 बटे में वर्गमूल 3, ये आ गया बी आर का मान, इसे छोड़ देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए आर का मान। देखो तो दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए आर पी में, इस त्रिभुज में यहाँ पे 30 लेंगे हम, 30 डिग्री कोण है, 10 30 बराबर, देखो 10 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार, यानी कि ए पी आर बटे में ए आर, ये आ गया पी आर बटे में ए आर। 10 30 का मान होता है 1/√3, और पी आर हमारा है 28.5 बटे में ए आर, तो क्रॉस गुणा किया तो आ गया ए आर बराबर 28.5 √3, ये समीकरण 2। अब देखो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने ना कि इस पूरे में से इतना घटाना है, ये पूरा कितना है 28.5, और ये कितना है, ये है 28.5 बटे में √3, दोनों को हटा देते हैं, चली गई दूरी आएगी हमारे पास, चली गई दूरी क्या, ए बी आ जाएगी। तो देखो ए बी बराबर ए आर माइनस बी आर, यानी 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3। 28.5 को हम कॉमन लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3। 28.5 यहाँ एलसीएम आ गया इसका, देखो लघुत्तम √3 आ गया, √3 लघुत्तम आया, तो यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब 28.5 गुणा में 2/√3, इसका परिमेयकरण करते हैं, √3 × √3, तो देखो ऊपर क्या आएगा, पहले 2 से गुणा करते हैं इसको हम, 2 5 10, 2 8 16 1 17, और 2 2 4 1 5, 57.0 गुणा में √3/3, 3 से काटा तो 3 1 3 2 बचेगा, 3 2 27, मतलब 19√3 मीटर, इतनी दूर चला था वो लड़का, ये 19√3 मीटर है। प्रश्न 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ दो त्रिभुजों वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, जब दो त्रिभुजों वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें सबसे मुख्य जो काम होता है उसका चित्र बनाना होता है, अगर चित्र सही बन जाए तो प्रश्न एकदम सही हो जाता है। देखो इसे साथ साथ पढ़ता भी रहूँगा और मैं चित्र बनाता रहूँगा। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि पे कोई बिंदु है, भूमि का बिंदु आ गया, इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ से देखो 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन भी जमीन पर ही खड़ा होगा, हवा में तो हो नहीं सकता, तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन आ गया। इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर, यानी यहाँ पे एक संचार मीनार है, यानी यहाँ पे एक संचार मीनार लगा दी हमने, मान लो ए बी भवन है और ए सी संचार मीनार है, के तल, संचार मीनार के तल मतलब ए की बात कर रहे हैं और शिखर मतलब सी की बात कर रहे हैं, के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है जो दर्शक है हमारा वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इस बिंदु से दर्शक देख रहा है तल को, मतलब यहाँ देख रहा है तल को देख रहा है, और उसके शिखर को भी देख रहा है मतलब सी को भी देख रहा है, कि उन्नयन कोण क्रमशः 45, क्रमशः मतलब पहले तल बोला गया है तो पहले तल का कोण आएगा 45 डिग्री, और फिर बाद में
60 डिग्री, मतलब शिखर का कोण 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो त्रिभुजों वाले प्रश्नों में खास बात क्या होती है, मान लो यहाँ डी ले लिया हमने, कि एक त्रिभुज में जैसे ये कोण 45 का दिया हुआ है, इस 45 के कोण से और इस दी गई भुजा की मदद से हम देखो बी डी निकाल सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बी डी ए में, बी डी ए में लेते हैं हम टेन 45, क्योंकि ये लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है हमें, तो टेन लेंगे हम। 20 बटे में डी बी आ गया, ये टेन 45 एक होता है, एक आ गया, बी डी बटे में ये डी बी आ गया। यहां से डी बी निकाल सकते हैं, डी बी आ गया 20। अब यहां से डी बी आ गया हमारा, अब इस डी बी की मदद से इस बड़े वाले त्रिभुज में से, देखो इस वाले त्रिभुज में हम पूरा बी सी निकाल सकते हैं। अगर बी सी आ गया तो ये भी आ जाएगा, त्रिभुज डी बी सी में टेन 60, क्योंकि बड़े त्रिभुज में कोण 60 है, टेन 60 बराबर बी सी बटे में डी बी। टेन 60 का मान अंडर रूट 3 है, बी सी, बी सी कितना है हमारा, ए बी प्लस ए सी बटे में डी बी हमने निकाला था, अभी 20 आया था तो 20 रख दिया। इस 20 को यहां गुणा कर दो तो आ गया 20 अंडर रूट 3 बराबर ए बी, ए बी 20 है प्लस ए सी, इस तरह ए सी आ गया हमारा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, तो कोई यही निकालना था, यह आ गया हमारा। प्रश्न 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो तो यहां पे मान लेते हैं ये पेडेस्टल हमारा ए बी, इस पेडेस्टल के ऊपर यहां पर 1.6 इतने मीटर की मूर्ति लगी है, मतलब मूर्ति हमारी बी सी है और ए बी हमारा पेडेस्टल है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब यहां भूमि पे कोई बिंदु लेते हैं, मान लो ये बिंदु हमारा डी आ गया, पेडेस्टल के, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यानी सी की बात कर रहे हैं, सी का उन्नयन कोण 60 है, ये पूरा कोण 60 दिया हुआ है। उसी बिंदु से, मतलब यही डी की बात कर रहे हैं, से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल हमारा क्या है, ए बी, तो ए बी का शिखर मतलब बी की बात कर रहे हैं, बी का कोण यहाँ पे, ये कोण बी का 45 डिग्री का है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, यानी ए बी ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं, देखो यहाँ तो ना तो हमें ए बी पता है और ना ही ए डी पता है, तो हम किसी एक को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमें ज्ञात करना है, ये इसे मान लेते हैं h, क्योंकि h ज्ञात करना है, डायरेक्ट h का मान आ जाएगा। अब इस h के मान के रूप में ही हम पहले निकालेंगे ए डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो ये लंब है और ये आधार, तो लंब बटे आधार tan होता है, tan 45 डिग्री बराबर लंब यानी कि ए बी बटे में आधार ए डी है, ये आ गया एक, tan 45 एक होता है और ए बी को हमने लिया हुआ है h और ए डी आ गया, ए डी तो निकालना ही है हमें, ए डी आ गया। यहाँ स्टार्टिंग में हम प्रश्न मान लेंगे कि माना ए बी बराबर एच मीटर और उसके बाद प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए डी बराबर एच आ गया, इसे यहीं छोड़ दो। अब आते हैं हम बड़े त्रिभुज में जिसमें कोण 60 दिया हुआ, ये वाला त्रिभुज ए डी सी में, देखो इस त्रिभुज में ये पूरी भुजा बटे में ये बराबर टेन 60 होगा, तो टेन 60 डिग्री बराबर ए सी बटे में ए डी। टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 और ए सी, ए सी को हम तोड़ सकते हैं ए बी प्लस बी सी में, और ए डी हमने निकाला था, एच आया था वो। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, देखो ये वाला एच तो यहाँ अंडर रूट 3 के पास आएगा, तो वर्गमूल 3 एच बराबर ए बी, ए बी का मान तो हमने एच माना हुआ है, तो इस ए बी की जगह हम एच रख सकते हैं, प्लस बी सी, बी सी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1.6, 1.6।
हमें एच का मान निकालना है। दोनों एच को हम एक तरफ ले आते हैं, इस वाले एच को इधर ले आते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6। इस तरह हमारे एच का मान आ जाएगा, एच बराबर 1.6 बटे में वर्गमूल 3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण करना है हर का, तो वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1 ऊपर आ गया 1.6 गुणा में वर्गमूल 3 प्लस 1। और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए का वर्ग मतलब देखो वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होता है, सिर्फ 3, तो 3 माइनस 1 ऊपर आ गया 1.6 और ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस 1 और नीचे आ गया 2, 2 से काटा 0.8, मतलब हमारा जो उत्तर आएगा 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। प्रश्न 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक मीनार दी हुई है और एक भवन। देखो पहले तो ये पता लगाना है कि दोनों में से ऊंचा कौन सा है। जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा होगा वही ऊंचा है। यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार ऊंची है तो भवन का पाद बिंदु ये है, यानी कि ए बी हमारा भवन है। ए बी हमने लिया है भवन और ये लेते हैं सी डी, सी डी लेते हैं मीनार, सी डी लिया हमने मीनार। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है तो इसलिए मीनार ऊंची होगी। तो ये 60 डिग्री ले लिया हमने और ये आ गया 30 डिग्री। पहले तो ये बना लिया, चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है सही ढंग से। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार हमने लिया सी डी को, ये 50 मीटर ऊंची हमें दी हुई है, मतलब ये पूरी ऊंचाई हमें 50 मीटर दी हुई है और हमें निकालना है भवन की ऊंचाई, मतलब ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो एकदम सरल प्रश्न है ये। इस 50 की मदद से हम पहले बी सी निकाल लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में टेन 60 डिग्री बराबर डी सी बटे में बी सी। टेन 60 है वर्गमूल 3 और डी सी 50 है, तो यहाँ से देखो बी सी निकल सकता है हमारा, बी सी वर्गमूल 3 बराबर 50, इसलिए बी सी बराबर कितना आएगा 50 बटे में वर्गमूल 3। इसे यहीं छोड़ दिया, सरल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी सी तो निकालना ही नहीं, हमें ए बी निकालना है। अब आते हैं हम दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो यहाँ ए बी निकालना है, ए बी बटे बी सी लेंगे यहाँ पे भी हम, क्योंकि बी सी पता है और ए बी निकालना है। ए बी बटे में बी सी बराबर टेन 30 डिग्री। ए बी हमें ज्ञात करना है और बी सी हमें दिया हुआ है, बी सी कितना है 50 अंडर रूट 3, देखो 50 बटे में अंडर रूट 3 बराबर टेन 30 एक बटे में अंडर रूट 3 है। इन दोनों को क्रॉस गुणा करते हैं हम, ये अंडर रूट 3 यहाँ पहुँच जाएगा, वर्गमूल 3 ए बी बराबर 50 बटे में वर्गमूल 3। अब देखो इस वर्गमूल 3 को नीचे ला सकते हैं, तो देखो ए बी बराबर 50 बटे में वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3। दो बार वर्गमूल गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, 50 बटे 3, और भाग देना तुम्हें आता ही है, भाग दे देंगे यहाँ से इसको, 3 से भाग किया 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 3 छः 18, फिर 2, 3 छः, अब तो 6 आता ही आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये जो कंटिन्यूस रहेगा ना 16.67 मीटर। ये आ गई हमारी दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई, जो कौन सी थी वो भवन, भवन की ऊंचाई आ गई। प्रश्न 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये हमारी 80 मीटर सड़क है, इसके दोनों ओर समान लंबाई के, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ बराबर लंबाई के, मान लो एक खंभा हो गया ए बी और एक हो गया सी डी, बराबर लंबाई के लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। देखो तो कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से खंभों के कोण 60 और 30 है। देखो जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उतना कम कोण होगा, मतलब ये कोण 30 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का, ऐसे समझ सकते हैं हम। ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है, देखो ये 90 है,
यहाँ से ये वाला कोण तो बड़ा होगा, लेकिन अगर दूर जाओगे तो ये कोण छोटा होता जाएगा। तो यहाँ देखो, जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना कोण छोटा होता जाएगा, तो इसीलिए हमने इसे 30 लिया, इसे 60 लिया है। आगे बढ़ते हैं, मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया ई, जहाँ पे ये मिलते हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी से ई की दूरी ज्ञात करनी, बी से ई की दूरी और डी से ई की दूरी ज्ञात करनी है, और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। अगर इसमें हम मान लो बी को ले लेते हैं एक्स, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा तो 80 है। और मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई एच है, इसकी भी ऊंचाई एच है। माना ए बी बराबर एच मीटर, इसलिए सी डी भी एच मीटर होगा। और फिर से एक और चीज लेते हैं, माना बी ई बराबर एक्स मीटर। अब देखो, ये मानने के बाद हमें यहाँ पे एच और एक्स में संबंध निकालना है, क्योंकि एच भी ज्ञात करना है और एक्स भी ज्ञात करना है। पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में। देखो ये लंब है और ये आधार, तो लंब और आधार में कर्ण उसका टेन का होता है, तो टेन 60, टेन के संबंध से निकाल लेंगे। टेन होता है लंब बटे में आधार, मतलब एच बटे एक्स, और टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3, तो एच बटे एक्स बराबर वर्गमूल 3, और एच बराबर वर्गमूल 3 गुणा में एक्स। इस तरह हमने यहाँ पे एच का मान निकाल लिया एक्स के रूप में। अब आते हैं अपने दूसरे त्रिभुज पे। दूसरे त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ई डी सी में, यहाँ भी निकालते हैं हम 10 30 डिग्री, यहाँ भी 10 लेंगे, तो 10 क्या आएगा, सी डी बटे में ई डी। 10 30 होता है 1 बटे वर्गमूल 3, और सी डी हमारा एच है, और ई डी 80 माइनस एक्स है। अब देखो, क्रॉस गुणा किया तो वर्गमूल 3 एच बराबर 80 माइनस एक्स। अभी हमने निकाला था एच का मान, एच का मान कितना है, √3 एक्स। यहाँ रख देते हैं इसको हम, तो ये वर्गमूल 3 यहाँ दिया हुआ है और एच का मान है वर्गमूल 3 एच, गलती से हो गया, वर्गमूल 3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। अब देखो, सरल कर सकते हैं इसको, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 एक्स, और इधर वाले एक्स को इधर ले आते हैं, तो +x बराबर 80। यहाँ से 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 80 बटे में 4, मतलब 4 दुनिया 8 और 0, तो x बराबर आ गया 20। तो देखो, एक तो पूछा है खंभों से दूरी, एक खंभे से वो 20 मीटर की दूरी पे, दूसरे खंभे से 80 माइनस 20 मतलब 60 की दूरी पर है। अब निकालना है हमें खंभों की ऊंचाई, तो देखो समीकरण एक क्या है हमारा, ये वाला है ना, समीकरण एक से h बराबर √3 गुणा में x, x मतलब 20, तो खंभों की ऊंचाई आ गई 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 वर्गमूल 3 है, और खंभों से सड़क के बीच का बिंदु एक से 20 मीटर की दूरी पे, दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर है। प्रश्न 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो यहाँ पे ए बी टीवी टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, इसका चित्र पुस्तक में दिया हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये नदी का दूसरा तट है, नहर का दूसरा तट। देखो ये BC हमारी नहर है जो दी गई है इसमें। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ देखो 20 मीटर दूर यहाँ आ गए हम D बिंदु पर। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मतलब D से शिखर का उन्नयन कोण 30 दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो टावर हमारा AB है, तो हमें एक तो AB निकालना है। मान लेते हैं AB हमारा H है, माना AB बराबर H मीटर, और दूसरा इसमें निकालना है नहर की चौड़ाई। नहर हमारी कौन सी है, ये BC, BC हमारी नहर की चौड़ाई, इसे मान लेते हैं हम X। तो यहाँ पर माना BC बराबर X मीटर। अब देखो, यहाँ पे किसी भी त्रिभुज में कोई भी पूरी भुजा नहीं दी गई है, ये छोटी सी भुजा दी गई है, लेकिन ये किसी त्रिभुज में नहीं है, किसी समकोण त्रिभुज में नहीं है। तो हम पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज
ए बी सी में। इस त्रिभुज में टेन साठ, टेन साठ डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। टेन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन, रख दिया इसको, और ए बी हमारा एच है और बी सी आ गया एक्स। इस तरह जो एच का मान आया है वो आ गया अंडर रूट तीन एक्स। ये समीकरण नंबर एक आ गई, छोड़ दो इसे यहीं पे। अब आते हैं हम दूसरे त्रिभुज में, छोटे जो त्रिभुज 30 डिग्री वाले कोण का है, यानी त्रिभुज ए डी बी में। इस त्रिभुज में हम निकालते हैं टेन तीस, टेन तीस बराबर लंब बटे में आधार, यानी कि ए बी बटे में डी बी। टेन तीस का मान होता है एक बटे अंडर रूट तीन, और ए बी हमने एच लिया है, और डी बी हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बीस। अब इसे क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा एक्स प्लस बीस बराबर अंडर रूट तीन एच। अब यहाँ से हम देखो एच का मान तो पहले निकाल चुके हैं ना एक्स के रूप में, तो एच का मान यहाँ रख देते हैं हम, तो आएगा एक्स प्लस बीस बराबर अंडर रूट तीन, और एच की जगह रख दिया हमने अंडर रूट तीन एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट तीन तीन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तीन एक्स, और इस वाले x को भी दाहिनी तरफ ले आते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ 20। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ बचेगा 2x, तो 2x बराबर 20 आ गया, और x बराबर 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो नदी की चौड़ाई है वो 10 मीटर है, क्योंकि तो नदी की चौड़ाई को हमने x लिया था ना, नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। और अगर ऊंचाई निकालते हैं तो समीकरण एक में आएंगे हम, समीकरण एक से, इस समीकरण से h ऊंचाई बराबर अंडर रूट तीन गुणा में एक्स, तो एक्स जगह रख देंगे हम 10। इस तरह आ गया ये 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो ऊंचाई आ गई हमारे पास 10 वर्गमूल 3 मीटर और चौड़ाई आ गई 10 मीटर। प्रश्न 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये ए बी हमने भवन ले लिया, भवन के शिखर से मतलब बी की बात कर रहे हैं, से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी केबल टावर ऊंचा होगा तभी उसका उन्नयन कोण बनना है, तो केबल टावर हमने ऊंचा ले लिया, ये केबल टावर है सी डी। इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। हरदम उन्नयन कोण हम 36 से बनाते हैं, और जिसका बनाना है वहाँ जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से लेके जिसका बनाना है वहाँ तक जोड़ देंगे हम, तो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है ये। इसके पाद का अवनमन कोण, देखो पाद बिंदु कौन सा है इसका, सी। इसके पाद का अवनमन कोण अगर हम बी से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बढ़ेगा, अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये 45 डिग्री है, मतलब ये भी 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें इस पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये पूरा एच है और हमें ये एच ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं पहले ही, माना देखो इन सबको लिखना पड़ेगा कि माना ए बी भवन है और सी डी टावर है, इसके बाद हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे। माना सी डी बराबर एच, हमने टावर की ऊंचाई को एच मान लिया इसमें। अब देखो ए बी और ये जो हम मान लो ई ले लेते हैं सी ई, ये दोनों साथ हो जाएंगे क्योंकि देखो जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई ये भी है, तो ये डी कितना होगा, डी बराबर एच माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में डी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में जहाँ 60 डिग्री कोण दिया है वहाँ पे हम सिर्फ डी का प्रयोग करेंगे, पूरा सी डी का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो पहले हम लेते हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में देखो यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब ए बी है, ए बी बटे में ए सी। टेन 45 का मान होता है एक, और ए बी हमें दिया हुआ है 7, और ए सी निकालना है, तो देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी बराबर 7। ए सी का मान यहाँ आ गया, ए सी का मान हमने इसलिए निकाला है कि जितना ए सी होगा उतना ही बी ई होगा, तो हम ए सी की मदद से बी ई निकाल लेंगे, इसलिए बी ई बराबर 7 आ गया। अब देखो बी ई 7 आ गया इस त्रिभुज में, अब एच निकालना आसान हो गया ना, त्रिभुज बी ई डी में, इस त्रिभुज में टेन 60 डिग्री बराबर डी ई बटे में बी ई। टेन 60 का मान होगा अंडर रूट तीन, डी ई
डी देखो हम कितना निकाल चुके हैं, एच माइनस सात, तो ये हो गया एच माइनस सात बटे में बी ई, बी तो हम निकाल चुके हैं पहले, सात है तो ये आ गया। देखो क्रॉस गुणा करने के बाद सात अंडर रूट तीन बराबर एच माइनस सात, इस सात को भी यहाँ ले आएंगे तो एच का मान आ जाएगा, एच बराबर सात वर्गमूल तीन प्लस सात, दोनों में सात कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एच बराबर सात कॉमन लिया वर्गमूल तीन प्लस एक, इतने मीटर। तो ऊंचाई कितनी आ गई, जो टावर की ऊंचाई थी वो आ गई सात वर्गमूल तीन प्लस एक। प्रश्न 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। मान लो ये लाइट हाउस है और यहाँ से देखने पर, देखो इसी रेखा में दो जहाज हैं, एक जहाज ये बना दिया एक ये, देखो ये हमारा पहला जहाज ए हो गया दूसरा जहाज बी, इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण दिए हुए हैं। अवनमन कोण का मतलब ये होता है कि हमारा जो देखने वाला है दर्शक जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ इस जगह बैठा हुआ है, मान लो ये सी है और ये डी, डी बिंदु पर बैठा है, तो यहाँ पे देखो देखने से वो अवनमन कोण 30 और 45 है। कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पास वाला कोण हरदम बड़ा होगा दूर वाला कोण छोटा होगा, मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा और ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा। यहाँ पे देखो ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा और ये पूरा कोण 45 डिग्री का होगा। अब आते हैं आगे हम, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, ए बी, तो हम ए बी को मान लेते हैं एक्स, ताकि डायरेक्ट एक्स का मान निकले और हमें पता लग जाए कि यही निकालना था हमें। देखो यहाँ दिया है 75 मीटर ऊंचा है, मतलब जिसकी लाइट हाउस की ऊंचाई 75 है, मतलब सी डी हमें दिया हुआ है 75। अब देखो यहाँ पे हमें एक्स निकालना है और सी डी दिया हुआ है, त्रिभुज पहले से पहले मान लेंगे हम कि माना ए बी बराबर एक्स मीटर। अब देखो इस वाले त्रिभुज में हमें लंब दिया हुआ है ये और कोण दिया हुआ है, तो हम ये निकाल सकते हैं आधार टेन थीटा से, त्रिभुज ए सी डी में टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, मतलब सी डी बटे में सी ए, टेन 45 होता है एक, सी डी हमें दिया है 75 और ये आ गया सी ए, तो यहाँ से आ गया हमारे पास सी ए बराबर 75 मीटर। अब देखो सी ए मिल गया ना, अब अगले त्रिभुज में लेंगे, अगर बड़े त्रिभुज में लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर कोण कितना है 30 डिग्री का, तो हम लेंगे त्रिभुज ए, ए तो है ही नहीं इसमें, इसमें लेंगे हम सी डी बी में टेन 30 डिग्री बराबर लंब, यहाँ भी सी डी है और आधार यहाँ देखो ये पूरा ये हो जाएगा सी बी, टेन 30 का मान होता है एक बटे अंडर रूट तीन, सी डी 75 है। अब देखो सी ए को ले सकते हैं हम, इस पूरे सी सी बी को ले सकते हैं सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी, क्योंकि हमें देखो ए बी निकालना है, सी ए सी बी तो निकालना ही नहीं है, क्रॉस गुणा किया तो देखो सी ए प्लस ए बी बराबर 75 अंडर रूट तीन आ गया। सी ए का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, देखो सी ए का मान यहाँ निकाला हुआ है पहले ही 75 है, तो यहाँ लग दिया 75 प्लस ए बी हमारा एक्स है बराबर 75 अंडर रूट तीन। अब एक्स निकालना था, देखो एक्स को अलग कर लो, 75 अंडर रूट तीन माइनस 75, यानी कि अगर हम 75 को, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया ऐसे, तो एक्स एक्स का मान आ गया 75 अंडर रूट तीन माइनस एक मीटर, और यही हमें निकालना था, यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। प्रश्न 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, तो कोई यहाँ गुब्बारा दिखाया गया है और ये रही लड़की, बहुत छोटी है पर देखो ये रही लड़की, ठीक है, इसकी ऊंचाई 1.2 दी हुई है, मतलब ये छोटा सा जो हिस्सा हिस्सा दिया हुआ है ये हिस्सा, इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है और पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है 88.2। अगर हमें सिर्फ इतना निकालना है, ये यहाँ से लेके
यानी इतनी ऊंचाई से लेके यहाँ तक की ऊंचाई अगर निकालनी है तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना आएगा 87, तो यानी ये आ जाएगा 87, इतनी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि यही ऊंचाई इन त्रिभुजों में प्रयोग होगी, क्योंकि नीचे से कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, सिर्फ इसी जहाँ कोण दिया हो, देखो कोण यहाँ दिया हुआ है, कोण के हिसाब से जो लंब होगा, लंब की ऊंचाई 87 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ देखो दिया हुआ है उन्नयन कोण 60 है, यहाँ पे देखो इस गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 दिया हुआ है इस क्षण पे, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है, मतलब गुब्बारा थोड़ी दूर उड़ा, पहले ही बोल रखा है क्षैतिज उड़ता है, यहाँ तक उड़ के गया, अब उन्नयन कोण ये 30 हो गया है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे ने देखो इतनी दूरी तय की है, या ये भी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है उसने, इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, यहाँ सी डी और ये ई। तो देखो बी डी दूरी तय की है उसने, हमें बी डी ज्ञात करना है, और हमने डी ई निकाल लिया है, डी ई बराबर 88.2 - 1.2, तो ये आ गया 87 मीटर। अब देखो यहाँ साफ साफ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले 60 डिग्री कोण में, क्योंकि हमें लंब तो देखो दिया हुआ है, ये भी देखो यहाँ लंब पता है, ये वाला लंब भी पता है हमें, दोनों 87 मीटर हैं, पहले एक बार इस लंब के माध्यम से ए बी निकाल लेंगे, इधर इस लंब के माध्यम से ए डी निकाल लेंगे, और ए डी में से बी माइनस किया हमने तो बी डी आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में टेन 60 डिग्री बराबर बी सी बटे में ए बी, तो यहाँ देखो टेन 60 होता है अंडर रूट 3, बी सी हमें पता है, बी सी है 87 और ए बी हमें ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर 87 बटे में अंडर रूट 3, इसे यहीं छोड़ दिया हमने नंबर एक डाल के। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, दूसरा त्रिभुज क्या होगा हमारा ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में, इस त्रिभुज में कोण 30 का है तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर ए डी बटे में ए डी, देखो टेन 30 का मान होता है 1/√3, और ई डी, ई डी हमारे पास 87 है, क्योंकि ऊंचाई गुब्बारे की 87 है, लड़की के आँख से ऊपर की बात कर रहे हैं हम, जमीन से ऊंचाई 88.2 है लेकिन लड़की से ऊंचाई 87 है, और यहाँ पे जो ए बी आएगा, जो ए डी आएगा, ए डी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, ये ए बी प्लस बी डी। अब देखो यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ गया 87√3 बराबर ए बी प्लस बी डी, ए बी हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ से देखो यहाँ से ए बी बराबर 87 बटे में अंडर रूट 3 है, तो इसे हम चाहे तो यहाँ सरल भी कर लेते हैं, वहाँ लिखने से पहले यहाँ सरल कर लेते हैं इसको हम, तो यहाँ पे देखो अगर हम सरल करेंगे तो क्या होगा, इसको वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 87 बटे में 3 गुणा में वर्गमूल 3, 3 से काटा इसको, 3 दूनी 6, 3 निम 27, मतलब 29 अंडर रूट 3, और ये हमारी समीकरण नंबर एक बनेगी ऐसी। अब यहाँ देखो ए बी का मान कितना है, 29 अंडर रूट 3, यहाँ रख देते हैं हम, समीकरण एक से 87 अंडर रूट 3 बराबर 29 अंडर रूट 3 प्लस बी डी। अब देखो हमें बी डी ही याद करना था, बी डी आराम से आएगा, इसको यहाँ ला घटा दो, तो बी डी बराबर 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3, दोनों को घटाएंगे तो देखो अंडर रूट 3 तो आएगा ही आएगा, 7 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, 58 अंडर रूट 3 मीटर, ये इतनी दूर उड़ा था वो, 58 अंडर रूट 3 मीटर। प्रश्न 15, ये प्रश्नावली 9.1 का अंतिम प्रश्न है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखो ये मान लो मीनार है, ये इसका पाद बिंदु है और ये शीर्ष है, और ये राजमार्ग ले लिया हमने, इस राजमार्ग से यहाँ से देखो ये पूरा दिया हुआ है, ये राजमार्ग पूरा इसके पाद बिंदु तक जाता है। एक मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, मतलब यहाँ से कहीं एक 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, अवनमन कोण इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारा जो दर्शक है ऊपर से नीचे दिख रहा है, तो ये देखो 30 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 डिग्री का कोण है।
एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब ये जो कार है इसके पाद बिंदु की ओर इस तरफ जा रही है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 हो गया। देखो यहाँ से 6 सेकंड के बाद जहाँ भी पहुँची होगी कार, मान लो यहाँ पहुँच गई, यहाँ पर जो अनुमान कोण था वो 60 हो गया, पहले 30 था अब ये 60 हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें समय ज्ञात करना है, मान लो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी, तो बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लिया गया है हमें वो ज्ञात करना है। हम यहाँ मान लेंगे, मानना सी डी, सी डी मीनार है, उसके बाद ए और बी क्रमशः 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर कार की स्थितियाँ हैं। अब देखो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं एच है, और क्योंकि हमें यहाँ पे देखो दूरी दी नहीं गई है, हमें यहाँ स्पीड दी गई समान चाल से, हम यहाँ चाल मान लेते हैं। माना कार की चाल, कार की चाल बराबर एक्स मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में कार पहुँची, 6 सेकेंड में, तो 6 सेकेंड में दूरी बराबर कितनी आएगी, 6 सेकेंड में दूरी बराबर, दूरी बराबर चाल गुणा समय, मतलब 6x मीटर। तो ये जो दूरी आ गई ये आ गई 6x मीटर। अब इसमें मान लेते हैं हम कि कार B से C तक जाने में मान लो कुछ सेकंड लगी, मान लो T सेकंड लगी। माना B से C तक जाने में लिया गया समय, समय बराबर टी सेकेंड, इसलिए बी सी बराबर कितना होगा, टी एक्स, समय गुणा दूरी, समय गुणा चाल बराबर दूरी, तो ये आ गया हमारा टी एक्स। अब इस पूरे प्रकरण में हमें क्या निकालना है, टी, क्योंकि कितने समय में बी से सी तक वो पहुंची। तो देखो यहाँ दो त्रिभुज हैं, पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, इस त्रिभुज में अगर हम टेन 60 का प्रयोग करते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, मतलब सी डी बटे में बी सी, इसको सरल करें टेन 60 हो गया अंडर रूट 3 और सी डी हो गया हमारा एच और बी सी है टी एक्स। इस तरह से जो एच का मान आया इसको यहाँ ले आएंगे 3 के पास, तो एच बराबर अंडर रूट 3 टी एक्स, इसे यहीं छोड़ देते हैं नंबर एक समीकरण डाल के। यहाँ से हमने h का मान t और x के रूप में निकाल लिया। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज, पूरा त्रिभुज a, c और d, त्रिभुज a, c, d में देखो यहाँ कोण 30 डिग्री का है, तो यहाँ लेंगे हम tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर सी डी बटे में ये पूरा ए सी, सी डी बटे में ए सी, tan 30 होता है 1/√3 और सी डी, सी डी तो हमारा एच है तो यहाँ पे एच आ गया, और ए सी की जगह हम क्या ले सकते हैं, देखो ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, मतलब 6x + tx, तो ये आ गया 6x + tx। एच का मान हम पहले निकाल चुके हैं, एच का मान कितना है ये रहा √3 tx, तो 1/√3 बराबर एच का मान रख देंगे यहाँ पे √3 टी एक्स बटे में, देखो तो यहाँ x और x कॉमन आ रहे हैं ना, x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 6 + t, ये x और x कट गए तो x का रोल खत्म हो गया, हमारे पास बचा क्या, केवल t, और t ही निकालना है हमें। क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 को करेंगे, और यहाँ पे 6 + t को 1 से करेंगे, तो 6 + t बराबर 3 t, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 ये बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 t है ना, 1 t यहाँ जा घट जाएगा, तो 6 = 2 t, और t का मान कितना आ जाएगा 3, तो t बराबर 6/2 अर्थात 3, मतलब 3 सेकेंड बाद वो कार वहाँ पहुँच जाएगी, यानी BC को तय करने के लिए उसे सिर्फ 3 सेकेंड चाहिए।